अजीज साथियों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको मालूम है कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज क्लास के सीरीज़ का एक सिलसिला शुरू किया है और मैंने कहा था कि हमारे साथ तीन टेंसेज हैं, पहले हाल, पहले माजी और पहले मुस्तकबिल। आज हमारा जो टॉपिक है वो पहले मुस्तकबिल के बारे में है। पहले मुस्तकबिल को इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहते हैं और ये टेंस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी काम का इरादा किया हो लेकिन हमने उस वक्त तक शुरू नहीं किया हो। मसलन हम कहते हैं कि हम जाएंगे, हम ये काम करेंगे, हम पानी पियेंगे वगैरह। तो पहले मुस्तकबिल का पहचान ये है कि उर्दू पत्र के आखिर में का, की, गया वगैरह इस किस्म के जो फंक्शनल वर्ड्स हैं या इमदादी अफ़ाल हैं वो इस्तेमाल होते हैं। इसमें हम वर्ब की पहली आदत इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में उसके लिए तरीक़ाकार यह है कि आई वी के साथ हम शल लगाएंगे और ही, शीट और दे वी यू सब के साथ वेल लगाएंगे। मसलन मैं जाऊँगा, आई शल गो। हम जाएंगे, वी शल गो। वो जाएगा, ही विल गो। वो जाएगी, शी विल गो। हम जाएंगे, वी शल गो। आप जाएंगे, यू विल गो। आप या वो जाएंगे, दे विल गो। अब आप नफी के बारे में बात करते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, आई शल नॉट गो। हम नहीं जाएंगे, वी शल नॉट गो। अगर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि सेंटेंस बिल्कुल इंटरोगेटिव में आ जाए तो सब के साथ स्टार्ट में क्या लगाओ, विल लगाओ और आई वी के साथ शल लगाओ। क्या आप जाएंगे, विल यू गो। क्या मैं जाऊँगा, शल आई गो। अगर नफी और सवाल दोनों के बारे में बात करते हैं तो फिर क्या करना है, फिर एक बात जहन में रखना है और वो ये है कि आपको इस किस्म के सेंटेंस के स्टार्ट में विल लगाने हैं और आई वी के साथ शल लगाने हैं स्टार्ट में और नाउन या प्रोनाउन के फौरन बाद नॉट लगाने। मसलन क्या तुम नहीं जाएंगे, विल यू नॉट गो। क्या मैं नहीं जाऊंगा, शल आई नॉट गो। अभी एक सेंटेंस है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शायद ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता भी ना हो और वो ये है, अगर आप मेहनत करोगे तो पास होंगे। यस, तो पास होंगे। अब यहाँ एक पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये कि हमारे साथ यहाँ एक सेंटेंस में दो टेंसेस आए हैं, दो जमाने आए हैं। तो इंग्लिश में उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि एक प्रेजेंट टेंस में चेंज होगा, यानी ये पहला पोर्शन जो है ये पहले हाल में चेंज होगा प्रेजेंट टेंस में, और सेंटेंस का दूसरा हिस्सा जो है वो फ्यूचर में टेंस होगा। मसलन ये ऐसे चेंज होगा, इफ यू, इसको हम कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल, यहाँ काम जरूरी, ठीक है, यहाँ काम जरूरी है, यू विल पास। अगर आप, हाँ हम इस तरह भी कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, एज यू सो सो शैल यू रीप। तो बहरहाल इस किस्म के सेंटेंस के लिए तरीक़ाकार ये है, ये एक सेंटेंस है, इसके लिए तरीक़ाकार ये है कि पहला पोर्शन वो प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा पोर्शन जो है वो फ्यूचर टेंस में होगा। उम्मीद है कि टॉपिक आपको क्लियर होगा।